चलो भाई चलो। अरे पहले स्कूल से यहाँ आए, यहाँ खाना मिलता है? क्या मिलता है? राशन मिलता है, खाना मिलता है, रोटी देते हैं। तो बाबा साहब क्या सही है? तो क्या हम आपके भी थोड़ा थोड़ा अच्छी थी तीन अच्छे लग रहे हो माशाल्लाह। हमारा बेटा है, ये मेरा बेटा है, बड़ा बेटा। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप अपने घरों में वापस जाएंगे। मैंने वज़ीर-ए-आज़म से ये अपील की है कि आपको 10,000 रुपए मिनट रखाएं, फी खानदान 1,00,000 रुपए जरूर मिलना चाहिए। इस हालत में आप यहाँ पे रह रहे हैं, अभी मैं देख कर आया हूँ, गर्मी है, गर्मी में बच्चे कैंपों के अंदर टेंट के अंदर रह भी नहीं सकते, और फिर यहाँ पर किस तरह से आप अपना वक्त गुजार रहे हैं मैं तो सोच भी नहीं सकता। बहुत सारे लोगों की रोजगार चली गई, बहुत सारे लोगों के फसलें तबाह हो गई, घर तबाह हो गए, और फिर बहुत सारे लोग इस वक्त बेरोजगार हो गए। तो मैं मुझे आप लोगों से भरपूर हमदर्दी है, और मेरी दुआ है कि आपके ये मुश्किल के दिन खैर गुजर जाए, और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा जब इंशाल्लाह ये सब नौजवान बच्चे जो हैं ये स्कूलों में जाएंगे, कॉलेजों में जाएंगे, यूनिवर्सिटी बनेगी इंशाल्लाह यहाँ पर। और पंजाब से खैमे हमने भेजे आपके लिए, पंजाब से माशाल्लाह राशन भी भेजा है, पंजाब से अल्लाह के फजल करम से ये डॉक्टर्स भी आए हैं, पंजाब से अल्लाह के फजल करम से आपके माल मवेशियों के लिए भी यहाँ पे लोग आए हैं, इलाज कर रहे हैं, और फिर मरीजों को भी देखते हैं, और अल्लाह के फजल से पंजाब जो है वो आपकी खिदमत के लिए पेश पेश है, और पंजाब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम रोज ये सामान भी भेज रहे हैं ताकि हमारे गरीबों को, ये जो उजड़े हुए लोग हैं उनको, उनके घरों को आबाद करने के लिए हम कोई काम कर सके। ये हमारा फर्ज है, ये मेहरबानी नहीं है, हम भी आपके भाई हैं, साथी हैं, आप हमारे भाई हैं। हुकूमत से पुरजोर अपील है कि वो आपकी मदद करें, और जो है मुल्क की मदद करें, आपको कम अज कम इतनी मदद करें कि आप अपने पाँव पे खड़े हो सकें, आपके बाल बच्चे जो है वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें, क्योंकि मैं जो सिंध के अंदर कोठों में जो हालात मैंने देखे हैं इस दौरे में भी और पिछले दौरों में भी, सिंध की पाकिस्तान बन गया लेकिन सिंध की और इन गरीबों की हालत नहीं बदली, लिहाजा इनकी हालत बदलनी चाहिए, और इस तरफ तवज्जो दो हुक्मरानों, यहाँ आके तवज्जो दो, ये उजड़ गए हैं बेचारे। अपनी जिम्मेदारी से गाफिल नहीं है हम, इंशाल्लाह अल्लाह ने हमें मौका दिया, इंशाल्लाह आपकी तकदीर बदलेंगे, अल्लाह ने मौका दिया इन नौजवानों की बच्चों की तकदीर बदलेंगे, और अल्लाह ने मौका दिया इस कौम की और मुल्क की तकदीर बदलेंगे। इतनी मुसीबत में है, मुझे यहाँ हुकूमत नाम की कोई चीज नजर नहीं आती, मैं सच बोलता हूँ या झूठ बोल रहा हूँ?
हुकूमत को चाहिए कि आपके पास हो, आपकी खिदमत करे, दिन रात आपका साथ दे और दिन रात आपकी खिदमत करे। यहाँ पर ये हुकूमत का काम था, हुकूमत में लाखों लोग मुलाजिम है, कहाँ है वो सब लोग? उनको आज फील्ड में होना चाहिए था, उनके इन गरीबों के पास होना चाहिए था, इनकी झुग्गियों में होना चाहिए था, इनके टेंटों में होना चाहिए था। अगर नवाज शरीफ आ सकते तो वो क्यों नहीं आते यहाँ पर? आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ, इंशाल्लाह मैं फिर आऊंगा, फिर मिलूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो ये मुसीबत के मुश्किल के दिन खत्म होंगे। पाजी ड्यूटी दे रही मियाँ साहब के रस्तों दे,